Right. नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिमाचल पर। आज का हमारा विषय है ग्रैटिट्यूड, यानी कृतज्ञता। मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहूँगा, एक नन्ही चिड़िया की कहानी। एक छोटी चिड़िया थी, वो रेगिस्तान की तपती गर्मी में परेशान थी। रेत, जलती हुई धूप और जहाँ पानी, खाने को भोजन कुछ भी नहीं था। वो चिड़िया लगातार अपने जीवन को कोसती रहती। वो चिड़िया लगातार अपने जीवन के दुखों को, अभावों को लेकर के शिकायतें कर रही। उसके सारे पंख जल चुके थे, वो उड़ नहीं पा रही। उसके लिए बस उस रेगिस्तान में रहना एक मजबूरी हो चुकी। तभी एक दिन एक ऋषि वहां से गुजर रहे थे और नन्ही चिड़िया ने उनको प्रणाम कर कहा कि ऋषिवर, मेरे जीवन में कितने दुख हैं। ऋषि को भी, क्योंकि करुणा में हृदय होता है ऋषियों का, तो उनको भी करुणा आ गई उस चिड़िया पर। तो चिड़िया ने कहा कि मुझे मेरा भविष्य बता दो कि कब मैं इस दुख से बाहर निकलूंगी। ऋषि ने कहा, भविष्य तो मैं नहीं बता सकता हूँ, परंतु मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ, वहां जाकर मैं तेरे लिए अवश्य पूछूंगा। तो नन्ही चिड़िया ने कहा, हाँ आप अवश्य पूछना और मुझे बताना। ऋषि ने जाकर अपने गुरु से उस चिड़िया की प्रार्थना कही और पूछा कि कब उसके दुख दूर होंगे। तो गुरु जी ने उत्तर दिया कि अभी इस चिड़िया को 7 जन्म इसी प्रकार जीने होंगे, इसी कष्ट में रहना होगा, तब जाकर के इसका दुख, इसका कर्म समाप्त होगा। ऋषि को बड़ा दुख हुआ ये जान करके। उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव, कोई तरीका तो होगा। उन्होंने कहा, हाँ एक तरीका है, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस चिड़िया को बताना कि निरंतर दिन रात इसको जपती रहे, बोलती रहे। वो ऋषि वापस आए, उस चिड़िया को सारी कहानी, सारी बात बताई और चिड़िया को बता दिया वो मंत्र। और वो मंत्र था, हे ऊपर वाले तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, हे ऊपर वाले तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। अब चिड़िया इस वाक्य को बार बार कहने लग गई, दिन में बार बार, हर बात। और ऋषि चले गए। कुछ दिनों बाद वो ऋषि दोबारा आ रहे थे तो देखा, वो जंगल से गुजर रहे थे तो वहां एक चिड़िया की सुरीली आवाज आ रही। वो तो पास गए तो देखा, ये तो वही चिड़िया है। इस चिड़िया के सुंदर सुंदर पंख निकले हुए थे। चिड़िया जंगल में थी, छायादार पेड़ों के नीचे थी, पानी था, जहाँ भोजन था। तो खुश तो हुए पर साथ में हैरान हुए कि मेरे गुरु ने कहा 7 जन्म लगेंगे, ये तो कुछ ही दिनों में यहाँ पहुंच गए। तो उन्होंने जाकर गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने तो कहा था कि चिड़िया 7 जन्म इसी दुख में रहेगी, तब जाकर बाहर निकलेगी। तब गुरु ने कहा कि जब तुम गए तो चिड़िया बिल्कुल अधमनी सी होकर के रेत में गिर गई, तब भी उसने हाय हाय कहने के बजाय कहा, हे ऊपर वाले तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जब चिड़िया प्यास के मारे तड़प रही थी, पानी की बूंद नहीं थी, तब भी कह रही थी, इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, हे ऊपर वाले तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। जब ये बार बार ये कहती गई तो 7 जन्मों की पीड़ा 7 दिनों में ही कट गई और उसके नए पंख आए। नए पंख आए तो चिड़िया उड़ी और उड़ करके सुंदर जंगल में पानी के पास पहुंची, पानी पिया, जीवन बदल। दोस्तों, ये धन्यवादी होना, ग्रैटिट्यूड, 2007 में एक रिसर्च हुई थी जिसके मुताबिक यदि हम धन्यवाद का भाव रखते हैं, भाव यानी इमोशन, फीलिंग, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, फीलिंग दैट इज लाइफ, भावना ही जीवन है। अब जैसी आपकी भाव, वैसा आपका जीवन बन जाएगा। तो आपके भीतर यदि ग्रैटिट्यूड का भाव है, कृतज्ञता का भाव है, तो आपको ये यूनिवर्स और देगा, और देता जाएगा। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स, जो इस विश्व के बहुत बड़े लाइफ कोच हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, टोनी रॉबिन्स दुनिया भर के कई देशों में घूमते हैं,
उनके कई देशों में बिजनेस हैं। तो घूमते हुए एक बार वो किसी आइलैंड पर पहुंचे, और आइलैंड पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक छोटा सा कबीला है। वो कबीले में एक ही व्यक्ति था जिसको इंग्लिश आती थी, और वो अंग्रेजी में टोनी से बात कर रहे। टोनी उससे बातें करते हुए वो कबीले में ले गए, उनको स्वागत किया टोनी का। हर व्यक्ति वहां पर कबीले में हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, खुश था। टोनी ने देखा इनके पास तो बेसिक चीजों का भी अभाव है, सुविधाएं नहीं है। उन्होंने टोनी को चाय के लिए आमंत्रित किया, एक झुग्गी एक झोंपड़ी में ले गए। वहां पर चाय बनाई गई, और चाय भी टोनी ने नारियल के खोल में पी। नाउ टोनी ने इस व्यक्ति से पूछा कि आप लोग इतने खुश कैसे रहते हो। टोनी ने यह पूछा, आप लोग इतने खुश क्यों हो जब आपके पास इतनी बेसिक चीजें भी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, हाउ आर यू सो हैप्पी। तब उस व्यक्ति ने एक बहुत बढ़िया उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने जानबूझकर अपने कबीले के किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं सिखाई, मैंने जानबूझकर अपने कबीले के किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं सिखाई। कारण कि हमारी जो भाषा है उसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं है, दुख रोग बीमारी घृणा पीड़ा कमी नहीं है, इसलिए मैंने अंग्रेजी नहीं सिखाई। हमारे यहां यदि कोई व्यक्ति दुखी भी होता है तो दुख उसको पता नहीं उस शब्द का, तो वो कहता है आज मैं थोड़ा कम खुश हूं, आज मेरी खुशी में थोड़ी सी कमी है, उसको दुख का नहीं पता। इसलिए हमारी भाषा, हमारे शब्द जो हम अपने आप को देते हैं, अपने अंदर को देते हैं, अपने मन को देते हैं, बहुत मायने रखते हैं। हम अपने आप को अंदर क्या देते हैं, आज मैं बड़ा दुखी, आज अच्छा दिन नहीं रहा, आज धूप बहुत है, आज बहुत बुरा दिन है क्योंकि आज बड़ी गर्मी है। भाई उससे पूछो जो बाहर आइसक्रीम बेच रहा है आज उसके लिए कितना अच्छा दिन है, क्योंकि आज गर्मी है तो आज लोग ज्यादा आइसक्रीम खाएंगे, आज लोग ज्यादा ठंडा पिएंगे। आप अपने आप को क्या देते हैं, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं परेशान, मेरे घर में ये, मेरा ये रिश्ता ये, मैं आज बड़ा परेशान हूं, आज हम मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो ये नेगेटिव शब्द जब हम अपने आप को देते हैं तो हम अपने ध्यान को कहां ले जाते हैं, अभाव की ओर, कमी की ओर, जो नहीं है उसकी ओर, जो समस्या है उसकी ओर। जहां हमारा अटेंशन जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, और हमारी एनर्जी जहां जाएगी वहीं निर्माण होगा, वहीं बनेगा। हमारा अपना अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, निरंतर हमारे जीवन का निर्माण कर रहा है। हम दिन में लगभग 60,000 विचारों को जन्म देते हैं हर रोज, हर 24 घंटे में। अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसको जितना कहना मुश्किल लग रहा है करना उससे भी मुश्किल है कि एक एक विचार को छांटो और देखो कौन से नेगेटिव हैं कौन से पॉजिटिव। तो इसलिए इसका एक दूसरा शॉर्टकट है, वो है ग्रैटिट्यूड। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं ठहर सकती, वैसे जहां ग्रैटिट्यूड आ जाएगा वहां कोई नेगेटिव विचार ठहर ही नहीं सकता है, वहां कोई नेगेटिव विचार रुक नहीं सकता है। इसलिए अपनी अटेंशन को ग्रैटिट्यूड की ओर ले जाइए। हमारे पूरे शरीर में, सिर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, हम अपने सारे ध्यान को सिर दर्द पे ले जाते हैं और कहते हैं कि आज बड़ा बुरा दिन है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरी आंख दर्द हो रही है, मेरा घुटना दर्द हो रहा है। हम बाकी के शरीर पर क्यों नहीं ले जाते, जहां कोई दर्द नहीं है, जहां कोई समस्या नहीं है। हमारे जीवन में एक समस्या है और हजारों लाखों नियामतें हैं, ऐसे रीजंस हैं जिनके लिए हम धन्यवादी हो सकते हैं, पर हम अपने ध्यान को कहां ले जाते हैं, जहां कमी है, और उसी को होल्ड करके बैठ जाते हैं। एक बार एक साइकोलॉजी टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे और उन्होंने एक ग्लास के अंदर पानी डाला और कहा कि इस ग्लास का वजन क्या होगा। बच्चों ने उत्तर दिया कुछ ग्राम। उन्होंने कहा क्या हम इस ग्लास को पकड़ सकते हैं, उन्होंने कहा यस पकड़ सकते हैं।
उस टीचर ने कहा, क्या हम इस ग्लास को 1 घंटे तक ऐसे पकड़ के रख सकते हैं? बच्चों ने कहा, यस पकड़ सकते हैं, पर उससे हमारे कंधे में, बाजू में, हाथ में दर्द होने लग जाएगा। टीचर ने कहा, यदि पूरा दिन इस ग्लास को ऐसे ही पकड़ के रखना हो, देन उन्होंने कहा, उससे हो सकता है पूरे कंधे बाजू सुन्न पड़ जाए और एक इंसान पैरालिटिक भी हो सकता है। तो टीचर ने कहा कि हम नेगेटिविटी को, कमियों को, अभाव को क्यों इतने लंबे समय तक पकड़ के रखते? क्योंकि जिंदगी तो हमें हर क्षण बहुत कुछ दे रही है, हम केवल अपना ध्यान उस कमी पर ले जाते हैं जो सुबह नहीं हुआ। आज सुबह मेरे बॉस ने मुझे डांट दिया, आज सुबह मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया, आज मैं बारिश में भीगा। भाई उसके बाद पूरे दिन में कुदरत ने कितना कुछ दिया, बट हम वही हैं उसी ग्लास को पकड़े हुए, इसीलिए पीड़ा हो रही है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे अंदर ही बैठा ईश्वर है, वही यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति है जो निरंतर कह रही है तथास्तु 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 कह रही है, पर तथास्तु उसी को कह रही है जो हम सोच रहे हैं। तो हमें अपनी अटेंशन को कहां ले जाना है? हमारे पास जो आशीर्वाद दिए गए, हमारे पास कितना कुछ है, कितना कुछ है जो हमें उस कुदरत ने दिया है। हमारे पास ये शरीर है, ये स्वस्थ शरीर है, हमारे पास घर है, छत है, परिवार है, मित्र हैं, हमारे पास धन है, हमारे पास वस्त्र है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास सूर्य का प्रकाश है, हमारे पास हवा है, ऑक्सीजन है, पीने को पानी है, हमारे पास ध्यान है, हमारे पास ध्यान है। तो हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हम हर क्षण धन्यवादी हो सकते हैं। बात सिर्फ अपना नजरिया बदलने की है। एक बार एक कंपनी ने, जूता बेचने वाली कंपनी थी, 2 लोगों को अफ्रीका में रिसर्च पर्पस के लिए भेजा, जहां उन्होंने जूता सप्लाई करना, जूते का व्यापार करना, शूज। और दोनों को कुछ समय बाद फोन किया गया, तो एक ने बोला, ये तो बिल्कुल बेकार मार्केट है, यहां तो कोई जूता नहीं पहनता ही नहीं है, तो आपका जूता नहीं बिकेगा। दूसरे को पूछा, दूसरे ने कहा, ये बहुत बढ़िया मार्केट है, यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है, यहाँ सबको जूता पहनाना है, ये तो बहुत अच्छी मार्केट है। क्या हुआ? नजर बदली, नजरिया बदल गया, जीवन बदल। हमें भी अपना नजरिया बदलना है। नजरिया बदलेगा, हमारा अटेंशन शिफ्ट होगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम अपने फोकस को कहाँ ले जाते? कमी की ओर, कमी पर नहीं, धन्यवादी होने पर अपने ध्यान को केंद्रित करना। क्योंकि धन्यवादी होंगे, इट्स अ बिग साइन, हमारे सेल की ग्रोथ होती, हमारे जीन अच्छा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है, पावरफुल होने लग जाता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स, उनका स्त्राव, उनका सिक्रेशन वो बढ़ जाता है। उनका सिक्रेशन बढ़ने से हमारे अंदर जो तनाव और दुख, पीड़ा और दुख को बढ़ाने वाले हार्मोन रसायन थे वो कम हो जाते हैं। जब वो कम होते हैं तो मेलाटोनिन बढ़ता है। मेलाटोनिन वो रसायन है जो हमें अच्छी नींद देता है, एक हीलिंग स्लीप देता है, एक गहरी नींद देता है, उस नींद में हमारी हीलिंग होती है। अगर हम ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, देन व्हाट हैपेंस इज कि हम जो हमारी पेन है, फिजिकल पेन, वो पेन भी कम होने लग जाती है, क्योंकि हमारे अंदर एंडोर्फिन आता है, हम खुश हैं। अगर हम ग्रैटिट्यूड में हैं तो हमारी बाहर की स्थितियां कुछ भी हैं, पर हम अंदर उसमें से क्या कारण ढूंढ रहे हैं? खुश रहने का कारण, हम मुस्कुराते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मुस्कुराना ऐसी चीज है जो भूल गए लोग। अगर किसी को बोलो आप कब हंसे थे, वो कहता जी मैं 6 महीने पहले हंसा था, बचपन में हंसा था। हंसना, यूं मुस्कुराते हैं वो भी लगता है कि जैसे चेहरे पर एहसान कर रहे हैं मुस्कुरा कर। तो एक बच्चा एक दिन में कितनी बार हंसता है पता है? एक नवजात शिशु, इन्फेंट, बिना कारण के 400 बार, 400 टाइम्स। और हम कारण ढूंढते, कोई कारण होगा तो हंसेंगे, भाई हंसो ना।
आप हंस सकते हो यही सबसे बड़ा कारण है, आप खुश रह सकते हो यही सबसे बड़ा कारण है, कारण नहीं चाहिए आपको। इफ यू आर वेटिंग यू आर नॉट क्रिएटिंग। तो हमें अब वेट नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है। हम क्या बोलते हैं, ज्यादातर लोग आपको क्या बोलते हुए मिलेंगे, भाई कुछ बाहर बदलेगा तो हम बदलेंगे। नहीं, यूनिवर्स एक सीक्रेट धारण किए हुए है, आप अंदर बदलेंगे तो क्रिएट होगा। तो हम अंदर वेट नहीं करेंगे। If we are waiting, we are not creating. So we will not wait, we will create. Create कैसे करेंगे? हर क्षण धन्यवादी होकर के। इसके लिए मैं तीन चीजें आपको बताता हूं। नंबर वन, रात को सोने से पहले हर रोज आप अलार्म लगा लीजिए। सोने से पहले ध्यान करना है और शुक्राना करना है। एक फकीर ने कहा कि मैं क्या गिला करूं, क्या शिकवा करूं तुझसे, ऊपर वाले मैं क्या गिला करूं क्या शिकवा करूं तुझसे, मेरी नजरें ही नहीं उठती तुम्हारे रहमो करम के सामने। है ना, कि उसने जो हमें दे दिया तुम्हारी नियामतों के सामने मेरी नजरें ही नहीं उठती, मैं क्या गिला करूं, तुमने तो इतना दे दिया। तो रोज रात को सोने से पहले बी थैंकफुल। आप दिन में ऐसी चीजों को ढूंढिए जिनके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल, और उस ग्रेटफुलनेस में, उस कृतज्ञता के भाव में सोएं, ताकि पूरी नींद में आपका अवचेतन मन ऐसे ऐसे कारणों को और तैयार करे अगले दिन में आपके जीवन में लाने के लिए, अगले हफ्तों में, महीनों में, आने वाले समय में आपके जीवन को भर दे वो ऐसे और अन्य अनेकों कारणों से जिसके लिए यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। दूसरा, आप जब अच्छे समय में हैं, जब कुछ अच्छा चल रहा है, जब आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, जब अच्छा हुआ है, तब अपने आप को एक चिट्ठी लिखें। Write a letter to yourself. If not letter, email. If not email, then message. इसमें लिखें कि मेरे पास ये 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 सब है, कितनी अच्छी चीजें, आज दिन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आज मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास ये लोग हैं, ये लोग हैं, जो भी है लिख दीजिए सब। और जब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तब उस लेटर को निकाल के पढ़ लीजिए, उस ईमेल को पढ़ लीजिए, उस मैसेज को पढ़ लीजिए, बस वापस से ग्रैटिट्यूड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मेक अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक जर्नल बनाइए जिसमें आप रोज लिखेंगे, क्योंकि जब आप लिखते हैं, आपको लोग बोलेंगे लिखना क्या सोच लेंगे, नहीं, जब आप लिखते हैं तो क्या होता है, आपका मन और ज्यादा सोचता है, पूरा दिन तैयारी करता है, तो आप लिखेंगे, यू विल राइट। तो आप लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे कि मैं आज के दिन में ये चीजों के लिए खुश हूँ, आज के लिए इन चीजों के लिए धन्यवादी हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अ मैजिकल वर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक ही शब्द में सिमट कर एक शब्द बन सकता है, और वो है शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू। आइए आज एक मेडिटेशन में, ध्यान में उतर कर एक एक सेल, एक एक कोशिका हमारे शरीर की धन्यवाद का गान गाए, ऐसा ध्यान करते हैं। आइए ध्यान के लिए तैयारी करिए, बैठिए, आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करें, हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर फिंगर्स को लॉक करेंगे और पांव को क्रॉस करेंगे, ब्लूटूथ कनेक्टेड, अपने ध्यान अपने श्वासों के साथ जोड़ेंगे, एक एक श्वास आपको
ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। एक एक श्वास आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। अंदर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास, एक एक श्वास आपको और शांत करती जा रही है। एक एक श्वास आपको और शांत करती चली जा रही है, गहरी शांति में ले जा रही है। अभी आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना को याद करो जब आप किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए, या जब आपका बहुत बड़ा काम यूं ही चुटकियों में हो गया। ऐसी घटनाओं को याद करें। और देखें देखें आपके शरीर का एक एक सेल कैसे इस घटना को देख रहा है और धन्यवाद कह रहा है। जैसे मेरे जीवन में एक घटना रही कि मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ, मेरा वाहन कार पूरी तरह से सड़क से नीचे गहरी कई फीट गहरी चली गई, पर मुझे एक खरोच भी नहीं आई। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद अपने जीवन के उस नियामक, उस ब्लेसिंग के लिए। आप आशीर्वाद के लिए आप धन्यवाद करें, धन्यवादी हो। एक एक श्वास में ये जादुई शब्द कहते जाएं, धन्यवाद, मन ही मन दोहराते जाएं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। अब अपने जीवन की दो और ऐसी घटनाओं के बारे में सोचें
और तीनों घटनाओं के लिए धन्यवाद करें। आपको मिले इन आशीर्वादों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कण कोशिका धन्यवाद का सुंदर गान गा रही है। धन्यवाद इस स्वस्थ शरीर के लिए। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं हैं, फिर भी जीवन को जी रहे हैं। हमारे जीवन में इस स्वस्थ शरीर के लिए, हृष्ट पुष्ट शरीर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। ध्यान दें कि आपका हृदय भी प्रेम की ऊर्जा को, प्रेम की धारा को आपके पूरे शरीर में भेज रहा है। इन तरंगों को, वाइब्रेशंस को एक एक हिस्से में जाता हुआ अनुभव करें और धन्यवाद कहते जाएं। धन्यवाद कहते जाएं। धन्यवाद आपके स्वस्थ मस्तिष्क के लिए। धन्यवाद कहें आपकी मेमोरी के लिए, स्मरण शक्ति के लिए। धन्यवाद कहें अपनी सुंदर आंखों के लिए। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं और हम इन आंखों से पूरा संसार देखते हैं, इसकी सुंदरता को देखते हैं। धन्यवाद इन आंखों के, धन्यवाद इन कानों के लिए जिनसे हम अलग अलग तरह की ध्वनियों को, आवाजों को सुन पाते हैं। धन्यवाद हमारे बोलने की शक्ति के लिए, सूंघने की शक्ति के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए जो अपना हर कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इन सभी को धन्यवाद।
ब्रह्मांड को धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने टांगों पैरों पर ले जाएं, क्योंकि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास पैर टांगे नहीं हैं, पर हमारे पास हैं, जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं। दिन भर में अपने कई कामों को स्वयं इंडिपेंडेंटली करते हैं, इनके लिए धन्यवाद, आभार। हमारे पास बाजू हाथ हैं, अंगुलियां हैं, जिससे हम अपने अनेकों कामों को करते हैं, खाना खाते हैं, काम करते हैं, ड्राइव करते हैं, इसके लिए भी आभार, धन्यवाद। जितना धन्यवादी होंगे, ये कुदरत और देती चली जाएगी और देती चली जाएगी। इस जीवन के लिए धन्यवाद। ऐसे अनेकों लोग हैं जो रात को सोते हैं पर सुबह उठते नहीं। आपको आज का दिन मिला, इसके लिए धन्यवाद। अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपनों को सुबह आंखें खोलते नहीं देख पाते, उनके अपने उनको छोड़कर चले जाते हैं। आपके अपने भी आज जीवित हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आपके तन पर वस्त्र हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वस्त्र भी नहीं मिलते। आपके पास वस्त्र हैं जो आपके तन को ढकते हैं, सर्दी गर्मी बरसात से आपको बचाते हैं, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके पास पर्याप्त धन है जिससे आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके पास धन नहीं है। आपके पास भोजन है, कितने स्वादिष्ट भोजन, कई कई वैरायटीज के लिए धन्यवाद दें, धन्यवाद। पहनने के लिए आपके पास जूते हैं, धन्यवाद दें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
आपके पास अनेकों रिश्ते हैं, उन रिश्तों के लिए धन्यवाद। एक एक रिश्ते के लिए आभार। सूर्य के इस प्रकाश के लिए धन्यवाद। सोचो, यदि सूर्य ना हो, प्रकाश ना हो, तो ये जीवन ना होगा। इस हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद। पेड़ पौधों के लिए, सुंदर आकाश के लिए धन्यवाद, जो जब आप इस सुंदर व्याप्त आकाश को देखते हैं तो आपका तनाव मानो इसी में घुल कर समाप्त होने लग जाता है। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पानी जो आपको मिलता है पीने के लिए, नहाने के लिए, अपने अनेकों कामों को करने के लिए, उस जल के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके जीवन में गुरु आए, गुरु का ज्ञान आया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। आपके जीवन में ध्यान आया, ध्यान मिलने के लिए कोटि कोटि आभार, धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपके जीवन में कोई अभाव तो वो अभाव भी आपको सिखाने के लिए आया। यदि आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थितियां आई, किसी व्यक्ति का कोई व्यवहार, एटीट्यूड, बिहेवियर या कोई ऐसा इवेंट जो बहुत कठिन था, उसके लिए भी धन्यवादी हूं, धन्यवाद कहें, बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो आपको सिखाने आया, उससे लेसन लें और धन्यवाद कहकर उसको जाने दें।
उससे मिले सबक के लिए, लेसन के लिए भी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके शरीर का एक एक सेल यह धन्यवाद का गान गा रहा है, नृत्य कर रहा है। आपके भीतर यह नृत्य चल रहा, यह गान चल रहा है, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। जीवन, जीवन जो दिया है उसके लिए शुक्रिया। खुशियां जो दी हैं उनका भी शुक्रिया। आपके भीतर कैसे ये खुशी को बढ़ाने वाले रसायनों का छिड़काव हो रहा, अनेकों फव्वारे फूट रहे हैं जो आपके शरीर में अमृत, अमृत वर्षा कर रहे हैं, अमृत का छिड़काव कर रहे हैं। धीरे धीरे बस ये धन्यवाद का गान गाते हुए, इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, इसी नव ऊर्जा को भीतर भरे हुए धीरे धीरे वापस लौटेंगे। एक मिनट और इसी आनंद को और भीतर तक भर लीजिए, भरते जाइए, धन्यवाद, धन्यवाद कहते जाइए। एक एक श्वास के लिए धन्यवाद कह दीजिए, एक एक श्वास के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे वापस लौटेंगे, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से ढकेंगे, कवर करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0। धीरे धीरे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल, full of gratitude. किसी को
शेयर करना है वन्ना जी। हाँ तो वंदन सर, धन्यवाद तो सबका हो गया, पर आपको ऑब्जर्व ना करना आ रहा हो किसी को कि उससे मुझे लेसन क्या सीखना है, आप उसके बारे में मुझे बताइए। उसके लिए आप ध्यान करिए, संकल्प के साथ उसके आत्म स्वरूप को धन्यवाद कीजिए कि आप मेरे जीवन में आए, और अपने आत्मा से उस आत्मा के साथ बात करके पूछिए और गहरे ध्यान में चले जाइए दैट मैं क्या सबक सीखूं। जब आप कॉन्शियसली, जब आप केवल केवल भौतिक स्तर पर इस लेसन को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा केवल कॉन्शियस माइंड एंगेज होता है, वेयर एज ये सारा का सारा प्लान, सारी की सारी योजना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे ही सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। तो इसलिए जब हम कॉन्शियस माइंड को छोड़ देते हैं, पूर्ण समर्पण कर देते हैं, ओके नाउ आई सरेंडर, नाउ मैं उसी की आत्मा को, पहले तो हमारा जब किसी से संबंध थोड़ा खराब होता है तो हम थोड़ा कॉन्शियसली उसकी एक्टिविटीज को रेट करने लग जाते हैं कि उसने ये किया, चलो ओके मैं, फिर हम क्या करते हैं, हम ऊपरी सतह पर, ऊपरी स्तर पर माफ भी करते हैं, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, जब ऊपरी स्तर पर माफ करते हैं तो वंदना जी वो पहले माफी नहीं बनती, वो एक मजबूरी बन जाती, क्योंकि वो पूरी तरह से माफ नहीं हो पा रहा, अंदर तक नहीं हो पा रहा। इसलिए कई बार माफी के लिए, माफी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लेट गो करना, जाने दो, निकल जाने दो। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसके आत्म स्वरूप को पूछिए कि आप मुझे क्या सिखाने आए, और ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, आप ही का अवचेतन मन आपको उसी ध्यान में एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी सिटिंग में जल्द आपको धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाएगा, और आप उसके लिए तैयार होंगे तो उस इंफॉर्मेशन को आप डीकोड कर पाएंगे। इसलिए ध्यान खूब कीजिए, इस मस्तिष्क को भी तैयार कीजिए कि जो मैसेज आ रहा है उसको ये मस्तिष्क डीकोड कर पाए, और वो ध्यान करने से ही होगा, केवल ध्यान करने से, और अवश्य होगा, अवश्य होगा। फॉरगिवनेस एंड लेट गो करना, ये बहुत बड़ी कृपा है, तो स्वयं को भी माफ कहें औरों को भी यही दें, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हाँ जी, ये हो गया। आप जैसे कह रहे, जब सामने वाला ये कह रहा हो कि आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, जैसे अभी आपने जो लाइनें बोली, सेम सामने वाला बोल रहा है कि मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, मतलब वो भी इसी टाइप की ही है, मतलब आध्यात्मिकता में ही है पूरे। वो ये कह, वो जो मैं अंदर से सोचती हूँ कि इतिहास को देखना जरूरी है, जैसे हम जो अभी जैसे सब कुछ कर रहे हैं कि राम सीता ने क्या किया, एक्चुअली मैं टीवी पे जब कोई देख रही होती हूँ वो कहते हैं कि इतिहास देखना जरूरी है, मतलब तो एक्सेप्ट तो कर नहीं रही। अब यही समझ नहीं आ रहा, मैं इतना अंदर से भी यही कहती हूँ कि मुझे आप क्या सिखाना चाह रहे हो। आप ध्यान करिए वंदना जी, मैं समझ, आप ध्यान करिए, ध्यान को इंक्रीज करिए, अगर आपका ध्यान एक्स अमाउंट आप ध्यान कर रहे हैं, इतना टाइम ध्यान करें, उसको बढ़ाइए, ध्यान को बढ़ा दीजिए, और अपने आप एक एक लेयर करके, एक एक परत करके आपके सामने ये सारे लेसन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, ये ऐसे आप मुझे ये भी बताइए कि हमें औरों को लेट गो करने की इतना वो नहीं रहता, आसपास के या रिश्तेदारों को, है ना, जो बाकी तो सारे सुधर गए, अब मतलब अपने आप रिश्ते सभी संवर गए, जो नहीं बोलते थे वो भी पता नहीं कितने सालों से अपने आप ही संवरने लगे, लेकिन जो घर के रिश्ते होते हैं, जो मेन हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, है ना, वो रिश्तों में क्यों नहीं वो आ पाता, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम, मतलब वो नहीं समझ रहे, बाकी सारी दुनिया समझ गई। वंदना जी, आप यहाँ किसी को समझाने आए ही नहीं हैं, किसी को बदलने आए ही नहीं, हम यहाँ पर किसी को बदलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर केवल स्वयं को बदलने आए हैं, और वो जो घर वाले, रिश्तेदार, क्लोज रिलेटिव बने हैं, वो सारे के सारे तब बने हैं, उनकी हमारे पर बड़ी अपार कृपा है कि उन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया, मान गए कि ओके मैं तुम्हारा घर वाला बनूंगा, घर वाली बनूंगी, मैं बच्चा बनूंगा, मैं माता पिता, और सुधारने का भाव, पहली बात तो आपकी बात से ही समझ में आ रहा है कि अभी भी आप दूसरों को चेंज करने का भाव आपके मन में है, इच्छा है कि बाकी बदल गए, मेरे घर वाले, करीब वाले नहीं बदल रहे।
या नहीं, मैं, पेरेंट्स सर पेरेंट्स के नाते अपना कुछ कर्तव्य रहता है ना, वो यस यस कर्तव्य अपने को लगता, हाँ, तो फिर रहता है, अपन अपना कर्तव्य और उस कर्तव्य में जो सामने पत्री वाला पता है सीख नहीं रहे तो फिर क्या बोलेंगे अपन। पत्री सर एक बात बोलते हैं कि एक पेरेंट को, एक बच्चे को ध्यान सिखा देना चाहिए, ध्यान करना लगा देना चाहिए, बाकी का काम अपने आप हो जाता है। और यदि ध्यान नहीं सिखा पाए तो फिर सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है, फिर लगे रहते हैं इसी द्वंद्व में, इसी लड़ाई में। इसलिए ध्यान सिखाओ, हेलो सर, चाहे बच्चे 15 मिनट ध्यान करें। जी जी प्रिया जी नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत आज का तो ग्रेटिट्यूड बहुत शानदार था। एक्चुअली सच में ग्रेटिट्यूड का भाव लाना और उसको परिपूर्ण करना, उसको पूरी तरह से जीना, ये बहुत बहुत सुंदर चीज है। और ये ध्यान में आने के बाद हमको बहुत अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि लेट गो कर देना या वही कि आप जैसे वंदना जी परेशान हो रही है इस बात को लेकर, वरना जी कुछ नहीं है, यहाँ पर हम किसी को बदलने नहीं आए हैं। ये फैक्ट आपको पहले जानना ही पड़ेगा। डोंट थिंक अबाउट योर मतलब आपके फैमिली में आप हस्बैंड और बच्चे, इस सब मत सोचिए। आप अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप चीजें बदलती जाएंगी। टाइम मैं लगेगा, वही थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन रियली इट विल बी हैपनिंग, एंड ये होता ही है। आप चेंज करने चाहोगे ना, नहीं होगा, लेकिन आप लेट गो कर दोगे, शांत बैठ जाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तब बहुत सी चीजें होंगी। इसका आपको बहुत ख्याल ये रखना है। एक मिनट, मतलब अब देखो ये बात तो मुझे पता चल गई कि जो ये ऑब्जर्वेंस की प्रॉब्लम है वो मुझे बचपन से ही है। मैं किसी को चाहती नहीं हूँ ऑब्जर्व करना, और ये आज मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि मैं असल में बाहर निकलना चाहती हूँ या नहीं अपनी समस्या से। मुझे आया मुझे किसी को नहीं चाहिए कोई मुझे, लेकिन मैं प्यार करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ एक परमात्मा को अंदर से, और मैं किसी को अपनी जिंदगी में नहीं, मतलब इसके लिए कि सबसे पहले वंदना जी आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। हर चीज को पाना मतलब अपने आप से शुरुआत है, हर चीज की शुरुआत और अंतहामी है। हमें अपने आप को पहले जानना है, अपने आप को प्यार करना है, तभी हम इन चीजों को समझ पाएंगे। ओके, आप ओनली सर वंदना खुशी जी आप आप से प्यार करो। जिस चीज की कमी है ना वंदना जी, एक चीज को याद रख लो, ये सक्सेस का मंत्र है। जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हो उसको देना शुरू कर दो दूसरों को, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस देना शुरू कर दो, बांटना शुरू कर दो। यदि आपको लगता है कि आपको लोग नहीं समझ रहे, यू हेल्प अदर्स, यू अंडरस्टैंड अदर्स। यदि आपको लगता है प्यार कम मिल रहा है, यू गिव निस्वार्थ प्रेम दो दूसरों को। यदि आपको लग रहा है पैसे की कमी है, पैसा बांटना शुरू कर दो। ये यूनिवर्स आपको इतना देगा, क्योंकि जब आप दूसरों को देंगे तो आपको मिलना है, ये तय है। इसलिए एक मंत्र को याद रखो, एक फॉर्मूला, जिसकी जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो, बात खत्म। और ये करते करते कब ये आपके सवाल खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कब ये अंदर की पीड़ा समाप्त हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। ये सक्सेस का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, और ध्यान करते जाइए। बहुत अच्छा, रियली बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, रियली बहुत बहुत यस बढ़िया। एवरीवन शुड हैव वर्क ऑन इट, यू नो, सबको इसी चीज पे काम करना है। जिस चीज की कमी है उसको खुद ही आप अपना शुरू कर दो एकदम। वेरी गुड वेरी गुड, बांटते जाइए, बांटते बांटते आपको पता नहीं बांटते चलेगा, आपकी जेबें, झोलियां भर जाएंगी। आपके रहिए। पास यस कमी है, अभी आपका ध्यान कमी पर है कि हाय मुझे कोई नहीं समझता, हाय मेरे पास पैसे नहीं, हाय मेरे पास बच्चे नहीं समझते, हाय मेरी सेहत खराब है। जिस चीज की कमी है उसको देना शुरू करो, बिल्कुल देना शुरू कर उसको दो। देना वाओ शुरू करो। सेहत की कमी है, बीमार है, बन जाओ मदर टेरेसा, वाओ ध्यान वाओ सिखाओ। पैसे की कमी है, जितना है उसको दूसरों के साथ साझा करो, ये बहुत एंड बड़ी बात है। और जब आप करेंगे ना, आपको इतना सुकून मिलेगा, इतना आनंद आ जाएगा, आपको हर रोज चैन की नींद आएगी, आप हर सांस में हील होते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी समस्याएं तो खत्म हो गई। आप जब देखेंगे, ओ मैंने तो इनके लिए कुछ भी नहीं किया, ये समस्याएं खत्म कैसे हुई, लोग कैसे बदले, हालात कैसे बदले, चीजें कैसे बदली, स्थितियां कैसी बदली, पता ही नहीं चला। और यदि हम अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लग जाएंगे तो इतना ताना बाना वो उलझ जाएगा कि कभी खुलेगा नहीं। जैसे वो डोर है, वो मांझा है, उलझ जाता है ना, वो नहीं सुलझता है, तो वहां फिर काटना पड़ता है, कुछ कट लगाने पड़ते हैं, गांठें लगानी पड़ती हैं। इसलिए उसको ना सुलझाएं,
दूसरों को देने में लग जाएं, आपके जीवन को सुधारने में पूरा यूनिवर्स आ जाएगा और पता ही नहीं चलेगा सुधर जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर एक बात और जी, जैसे अपन ध्यान बांटेंगे तो अपने को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, 100% होगा। ध्यान बांटेंगे तो सब कुछ ही मिल जाएगा। जब ध्यान सिखाओगे तो ये तो शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब आपने ध्यान सिखाया, दो व्यक्ति को ध्यान सिखाया, 100 व्यक्ति को ध्यान सिखाया, किसी व्यक्ति को ध्यान सीखने से धन का लाभ हुआ, उसके जीवन में धन ठीक सुधरा, किसी के रिश्ते सुधरे, किसी के हेल्थ ठीक हुई, किसी की नाम मिला, किसी को आत्मज्ञान मिला। तो आपने जो जो दिया, ध्यान सिखाया, ध्यान से आपके द्वारा सिखाए हुए ध्यान प्रचार प्रसार से लोगों को जो जो मिला, एक परसेंटेज है ऊपर वाला, वो आपको भी दे देता है। तो आपके जीवन में क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, कुछ भी कमी नहीं है। लक्ष्मी माता पीछे पीछे, खुशियां पीछे पीछे, ज्ञान पीछे पीछे, लोग पीछे पीछे, मुक्ति भी आपके पीछे पीछे। भगवान कृष्ण ने कहा है, 4 मुक्ति दूं ब्याज में, वो मुक्तियां तो मैं तुम्हें ब्याज में ही दे दूंगा, पर तुम काम पे लग जाओ। 4 मुक्ति, एक बार नहीं, 4 बार मुक्त कर दूंगा, 4 मुक्ति दूं ब्याज में मिल जाएंगी मुक्ति। तो इसलिए दूसरों को हेल्प करते जाएं। इसीलिए हमारे गुरुवर ने, पत्री जी ने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया, ध्यान ही बांटो, ध्यान बांटोगे सब कुछ आ जाएगा। हेल्प पीपल, और बहुत जरूरत। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू प्रीति, थैंक यू आशा माँ, थैंक यू।